मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसी लड़की का मामला लेके आए हैं जो कि हारी नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गई बोर्ड की परीक्षा देने के लिए और वहां पर परीक्षा भी दी और पास भी हुई और वो फर्स्ट भी आई। चलिए हम लोग ऐसी लड़की के बारे में आपको बताते हैं जिसके अंदर इतना ज्यादा जज्बा है जो कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट जरूर करेगा। उस लड़की का नाम है सोफिया। चलिए हम लोग सोफिया के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि इसके जरिए आगे की भी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। और सोफिया का इस जज्बे के बारे में जान के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जिंदगी हो या परीक्षा हो, दोनों में ही आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, पास होना पड़ता है, आगे मुकाम पे पहुंचना पड़ता है। जिंदगी भी ऐसी है, चाहे दोनों में ही हम लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है पर कठिन काफी ज्यादा लगती है, पर हर कोई इसकी परीक्षा से निकलता जरूर है। और उस दौरान ही जब ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं जो कि इन कठिनाइयों से भी, बड़ी कठिनाइयों के बीच में भी वो ऐसे निकल जाते हैं कि लोगों के लिए वो परिभाषा बन जाते हैं, ऐसी ही लड़की का मामला हमारे सामने आया है जो कि उत्तर प्रदेश की बरेली में रहती है, 16 साल की, जिसका नाम है सोफिया जावेद। सोफिया जावेद एक्चुअली 5 साल से ही टीबी की बीमारी से जूझ रही है और उसका इलाज भी हुआ है, और इस बीमारी के साथ साथ उसको काफी सारी बीमारियां हैं और उसके साथ साथ उसको सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण वो हमेशा ही ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखती है। और जब उसके माता पिता ने उसको बोला कि आखिरकार ये कैसे परीक्षा देने के लिए जाएगी, तब उस लड़की ने ये चीज बताया कि नहीं, मुझे परीक्षा देनी है। और वो परीक्षा देने के लिए भी गई और परीक्षा देने के बाद वो एक्चुअली 69% मार्क्स से फर्स्ट पास भी हो गई। और उस दौरान हम आपको ये भी चीज बता दे कि सोफिया जो है उसने आर्ट में 82 अंक लेके आई और इंग्लिश में 77 और सामाजिक और विज्ञान में 68 नंबर लेके आई, जो कि काफी ज्यादा अच्छे नंबर है। और सोफिया से जब बात की गई तब सोफिया ने ये चीज बताया कि मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे मेरे विश्वास के ऊपर अभी जो है विश्वास जताया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं उसके ऊपर खरी उतरी हूँ। और उस दौरान जो उनके पिताजी है वो नोएडा में काम करते हैं और उस दौरान ही वो जब उनको पता चला कि सोफिया ये परीक्षा देगी, जिसके कारण वो वापस आए और अपनी बेटी का उन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और अपनी बेटी की पढ़ाई में भी साथ दिया, और उस दौरान वो काफी ज्यादा खुश है। अभी सोफिया जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश है। तो गाइज, आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आप लोगों को हमेशा हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता याद जरूर कीजिए। वो कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही बात है, कोशिश करते रहिए, आपकी कभी हार नहीं होगी। हालांकि सोफिया के बारे में जान के आपको कैसा लगा, बहुत ही मोटिवेट का एक मिसाल बनी हुई है सोफिया, जो कि हर किसी को इतना हिम्मत वाला बनना चाहिए। प्रॉब्लम तो सबको आती है, पर प्रॉब्लम के साथ जो लड़के आगे बढ़ता है वो ही असली योद्धा होता है। तो सोफिया एक योद्धा ही है। आई होप गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे की और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।